बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उमा शर्मा। आज हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है गुलीवर इन लिलीपुट पार्ट टू। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ गुलीवर इन ब्लिफिस्को, पार्ट वन में वी हैव रेड कि गुलीवर को कहा जाता है कि ब्लिफिस्को में जाके उनके एनिमीज को हराए ताकि लिलीपुटियंस को उनका सामना ना करना पड़े, तो वो गुलीवर की हेल्प मांगते हैं। नाउ गुलीवर जो है ब्लिफिस्को में जाता है। ब्लिफिस्को एक आइलैंड है सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय चैनल अबाउट 800 मीटर्स वाइड। 800 मीटर्स वाइड एक चैनल है जिससे ब्लिफिस्को जो है वो सेपरेटेड है लिलीपुट से। ब्लिफिस्को हैड नो न्यूज ऑफ गुलीवर एंटरिंग इंडिया आइलैंड। जो ब्लिफिस्को था उसको कोई पता नहीं था, वहाँ के राजा को कोई मालूम नहीं था कि वहाँ पे गुलीवर आने वाला है उनको अटैक करने के लिए या लिलीपुटियंस को उनसे बचाने के लिए। दे हैड नो न्यूज ऑफ हिम। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ ब्लिफिस्को फॉर वॉर। जो ब्लिफिस्कंस है, यू कैन सी कि जो ब्लिफिस्कंस थे वो अपनी शिप्स वगैरह तैयार कर रहे थे वॉर के लिए। एटलीस्ट 50 वॉर शिप्स एंड ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स वर बींग प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेन एंड सप्लाईज। 50 वॉर शिप्स एंड बहुत बाकी भी शिप्स थी जिनको तैयार किया जा रहा था वहां से आर्मी पर्सन को लिलीपुट में भेजने के लिए, एंड कुछ खाने पीने का सामान वगैरह, सप्लाईज वगैरह थी या आर्म्स एमिनेशन थे वो वगैरह भी वहां पे पहुंचाने के लिए। नाउ दे वर ओनली वेटिंग फॉर द फर्स्ट फेवरेबल विंड टू स्टार्ट विद। अब उनकी शिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, अब वो सिर्फ वेट कर रहे थे फेवरेबल विंड का, बिकॉज शिप्स के लिए विंड का सही होना बहुत जरूरी होता है उनको चलाने के लिए। तो वो सिर्फ उसका वेट कर रहे थे एंड उसके बाद ही वहां से वो चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब दे वर ऑल रेडी, वो रेडी थे वहां से जाने के लिए, वो सिर्फ विंड का वेट कर रहे थे। नाउ गुलीवर्स प्लान, यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने ऑर्डर किया गुलीवर ने द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल एंड बार्स ऑफ आयरन। केबल्स एंड बार्स ऑफ आयरन उसने मंगवाए थे। द केबल वॉज एज थिक एज पैक थ्रेड। इसमें तो आप जो देख रहे हो वो रियल वन है, इतना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि लिलीपुटियंस जो थे काफी छोटे छोटे से थे एंड उनके जो एमिनेशन थे वो उनके जैसे छोटे छोटे से थे। तो जो उनका केबल था वो एक थ्रेड, जैसे थ्रेड का धागा होता है वैसा था, एंड बार्स जो थे वो निटिंग नीडल्स जैसे थे। निटिंग नीडल्स मतलब जिनसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना नीडल्स से, वैसे नीडल्स थे। आर्म्ड विद दीज ही स्वैम फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड केम नियर द एनिमी फ्लीट। उसने ये सब सामान अपने साथ लिया एंड वहां से उसने आधे घंटे स्विमिंग करी, क्योंकि चैनल जो था वो लिलीपुटियंस और ब्लिफिस्को के लिए काफी बड़ा था बिकॉज दे वर वेरी टाइनी इन साइज। लेकिन गुलीवर जो ऑलरेडी इतना लंबा था उसके लिए वो चैनल था डीप नहीं था, वो आराम से वहां से चलकर और स्विमिंग करके, कहीं कहीं स्विमिंग करके और कहीं कहीं बिल्कुल आराम से चलकर उस चैनल को क्रॉस कर लिया एंड वो एनिमी फ्लीट के पास में पहुंच गया। नाउ एनिमीज रिएक्शन, एनिमीज ने कैसे रिएक्ट किया गुलीवर को देखकर। They became so frightened after seeing Gulliver that they leaped out of their ships and swam ashore, that two being 30,000 in number. The Blefuscans ने कभी इतना बड़ा आदमी देखा ही नहीं था, तो जब उन्होंने उसको देखा वो इतना डर गए कि वो अपनी ships को छोड़कर किनारे पे चले गए swimming करके, जबकि वो 30,000 थे number में and Gulliver बेचारा सिर्फ एक ही था। While Gulliver was fastening a hook to the prow of each warship, the man of Blefuscu shot out him several thousand arrows as big as knitting needles which stuck in his hands and face giving him sharp pain. Usne kya kiya Gulliver ne, usne har ek warship ke jo prows hote hain, jo aage se hota hai, ek nok type hoti hai ek ship ki, usne un sab mein apne cables vagera ko matlab rassi se sabko bandhna start kar diya, sabhi ships ko usne twin karna start kar diya with the help of ropes. Now uske baad kya hua, जो ब्लिफिस्किंस थे ना, जो अशोर पहुंच गए थे किनारे पे पहुंच गए थे, ब्लिफिस्किंस ने वहां से उसको तीरों से मारना स्टार्ट कर दिया एंड वो तीर जो थे वो निटिंग नीडल टाइप के थे, लेकिन अगर मैं सुई भी चुभ जाए तो कितना पेन होता है, तो उसको तो निटिंग नीडल्स पड़ रहे थे तो उसको भी काफी पेन होने लगा एंड वो निटिंग नीडल्स जो थे वो उसके वो हैंड पे, उसके फेस पे, हर जगह लग रहे थे। आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे गॉगल्स लगा ली थी जो उसको लिलीपुटियंस ने ही दी थी, तो उससे उसकी आईज बच गई, लेकिन हैंड स्पेस वगैरह उसको सारा जो था वो पूरा नीडल्स से काफी उसको पेन हो रहा था। नाउ गुलीवर क्विकली कट द केबल्स एट फास्टन द एंकर्स एंड इजली ड्रू आफ्टर हिम द इंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी। नाउ गुलीवर की शिप्स वो छोटी छोटी सी ही थी, तो गुलीवर ने सबको एक रोप से बांध दिया सभी शिप्स को एंड उसने उन सबको कैरी करना स्टार्ट कर दिया।
अपने साथ, लाइक यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ऐसे उसने सबको एक साथ ही लेना स्टार्ट कर दिया. व्हेन द मैन ऑफ लिफिस्को सॉ दिस, दे शाउटेड इन डिस्पेयर एज दे डिडंट एक्सपेक्ट दिस. जब लिफिस्टन्स ने ये देखा कि हमारी शिप्स ही लेके जा रहा है, जो ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई एनिमी आएगा और हमसे लड़ाई करेगा, ऑब्वियसली जो एनिमी आएगा, लेकिन उसे लड़ाई नहीं करी, वो उनकी शिप्स लेकर ही चला गया. उसे स्मार्ट डिसीजन लिया, बिकॉज अगर शिप्स ही नहीं होंगी तो ऑब्वियसली लिफिस्टन्स जो है वो लिलीपुट नहीं जा पाएंगे, तो उसने शिप्स को ही वहां से ले लिया. नाउ ग्लीवर ग्रेट लॉर्ड, द टाइम लिलीपुटियंस और द शिप्स गॉट फ्राइटेंड एज अ थॉट योर एनिमी हैज कम. यहाँ पर तो गुलीवर पानी से बाहर दिख रहा है, लेकिन जब वो शिप्स लेकर आता है तो उसका जो बॉडी होती है वो पानी के अंदर होती है, और जो नेक होता है वो सिर्फ पानी के बाहर होता है. तो लिलीपुटियंस को वो दिखता नहीं है. लिलीपुटियंस सोचते हैं कि ब्लिफिस्टन्स आ गए अटैक करने के लिए. बट द टाइम दिस गुलीवर दे फेल्ट हैप्पी एंड रिलीव. लेकिन जैसे गुलीवर को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं, उन्हें रिलीफ मिलता है कि चलो हमें इसने बचा लिया फ्रॉम द एनिमीज. एंड फॉर दिस ब्रेवरी ऑफ गुलीवर ही वॉज मेड ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट. एंड क्योंकि उसने लिलीपुटियंस को बहुत बड़े खतरे से बचाया था, तो लिलीपुट के राजा ने खुश होकर उसको ग्रेट लॉर्ड बना दिया वहां पर ही ऑन द स्पॉट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल्सो. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन कॉमेंट. थैंक यू.